गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आईपीएसी ऑफ एल्केन, आईपीएसी ऑफ एल्कीन, आईपीएसी ऑफ एल्काइन्स। ये तीनों ही हमारे प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं और प्राइमरी सफिक्स की आईपीएसी जो आपकी होगी इनके अंतर्गत आपके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईपीएसी ऑफ एल्केन्स। अब यहाँ से मेन आईपीएसी आपके स्टार्ट होती है और आईपीएसी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के कारण आप सभी वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचती रहे और पढ़ाई को आप कंटिन्यू जो है लगातार जारी रखें, क्योंकि 11th का जो ये टॉपिक है ये तो आपका कॉमन चैप्टर है, ये आपको सब जगह मिलेगा। 11th में भी आपको, 12th में भी जो कंपाउंड्स उनकी आईपीएसी नेमिंग वगैरह दी होगी उसके बेस पर कवरिएशन पूछ दी जाए तो वहाँ आपके लिए भी, और बीएससी वगैरह और कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं चाहे वो आपका आईआईटी हो चाहे नीट हो, सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको बहुत ही केयरफुल होकर के आपको पढ़ना है और यही एक बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये बेस है हम ये कह सकते हैं। और यहीं से आपने यदि जरा भी ढील दे दिया, आपने अपना ऑर्गेनिक पोर्शन वीक कर लिया तो सब कुछ आपका जो है वीक हो जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई करें। ये नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है तो आप जो है लापरवाही करेंगे, नहीं भैया आज नहीं कल पढ़ेंगे। जिसने कल पर छोड़ दिया कि कल करेंगे तो समझ पर वो कल ही हो जाता है, फिर कुछ नहीं आदमी करता है। तो इसीलिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू रेगुलर वे में जरूर करें, रेगुलर पढ़ाई करिए, पढ़ाई रेगुलर डिमांड भी है। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा आईपीएसी ऑफ एल्केन्स या नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आइए देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, नाम रखना। तो एल्केन का नामकरण होगा। अब एल्केन्स के बारे में किसी की भी नेमिंग हो, यहाँ पर आप 3 पॉइंट आपके कॉमन होंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा जनरल फॉर्मूला। क्या होगा? जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन्स का बेटा जनरल फॉर्मूला जो होगा वो आपका CnH2n+2, वेयर एन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो भी आप कार्बन लेंगे उसका आप डबल कर देंगे और डबल में 2+ कर देंगे। ठीक, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, मान लो कार्बन में 2 लिए तो 2 का डबल करिए आप तो 4 आएगा, और 4 में 2+ कर दें तो 6 आएगा, तो हाइड्रोजन आपके 6 हो गए। तो ये हमारा किस फैमिली का मेंबर हो गया? एल्कीन हो गया। तो जिनका जनरल फार्मूला आपका CnH2n+2 हो वो हमारे सारे के सारे एल्केन्स कहलाते हैं। और इनके लिए सेकेंड पॉइंट आप यूज करेंगे सफिक्स। तो सफिक्स आपको यहाँ क्या यूज करना होगा? एन, क्या लगाएंगे? एन, ए एन ई। और थर्ड पॉइंट होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो आप कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है? कार्बन कार्बन के बीच में जब आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, देन दे आर कॉल्ड एल्केन, तो उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। यदि कहीं भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन एंड कार्बन के बीच में तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। अब देखते हैं जरा फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूले में आपने ये लिखा एल्क और प्लस ये लगा दिया इसमें एन। एल्क में जब एन ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमारा एल्केन। अब ये एल्क हमारे क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। जो पहले यूज किए जाते हैं वो प्रीफिक्स है और जो बाद में यूज करते हैं वो हमारे सफिक्स है। जब प्रीफिक्स सफिक्स दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर जो भी मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? आईपीएसी नेम। तो ये जो हमारा एल्केन हो गया ये हो गया इसकी आईपीएसी। तो कोई भी यदि एल्केन फैमिली का मेंबर है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो उसकी नेमिंग आप इस तरीके से करेंगे, एल प्लस एन, एल में यानी एन को प्लस कर देंगे तो हमारा एल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि एल प्लस एन यानी इसमें हमेशा आपको एन यूज करना है, जब एन यूज कर देंगे एल के साथ में तो ये एल्केन बन जाएगा। अब इसी की आपको जो है एग्जाम्पल्स वगैरह एक्सरसाइज देखें, प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स इसी में होते हैं, जितनी आपने प्रैक्टिस कर लिया उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जो भी आपने आई पी सी के रूल्स वगैरह पढ़े हुए थे पिछली वीडियो में, उन सब का यहाँ पर रिपीटेशन होगा, उनकी जरूरत पड़ेगी, उनके बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखिए चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका होगा, जैसे हमने ये दिया तो पहले तो आप कार्बन को आप बैलेंस करना सीखें, किस कार्बन के साथ कितने एच होंगे। आप जानते हैं कार्बन हमारा टेट्रा वैलेंट होता है, तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो ये हाइड्रोजन एटम ये जो बॉन्ड होते हैं ये वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 यानी कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड होने चाहिए या 4 हाइड्रोजन एटम अटैच होने चाहिए। तो देखिए हम इस कार्बन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि होने चाहिए इसके पास 4 बॉन्ड, तो कमी कितने की 3 की, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब इस कार्बन को देखेंगे तो 1 बॉन्ड ये लगा हुआ, 1 ये, 2 लगे हुए हैं, कमी 2 की है, तो 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर और 3H यहाँ। ये ऐसे बैलेंस करने का मेथड हो गया। बैलेंस करना देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, फिर आगे अगली वीडियो बैलेंस करना भी बताएंगे, तो अच्छे से आप देख लीजिए किस तरीके से हमें हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस कर दिया, अब देखिए कहीं कोई साइड चेन नहीं है, तो नंबरिंग चाहे आप यहाँ से कर दें चाहे आप यहाँ से कर दें, तो नंबरिंग हमने 1, ये 2, 3 और ये 4 हो गया। अब यहाँ पर आपका 4 कार्बन से 4 के लिए हम किसके यूज करते हैं, ब्यूट का, तो आपने ब्यूट लगा दिया। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, सिंगल बॉन्ड के सदस्य क्या लगता है, एन, तो ये हो गया ब्यूट। इसके बाद चलिए साइड चेन की हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपका ले लिया तो अब इसकी नंबरिंग आप देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन मिले हैं, 5 से ज्यादा आपको नहीं मिल रहे, लेकिन नंबरिंग आप किस साइड से करें, इधर से यदि करते हैं तो 1 2 3 4 4 पर साइड चेन लगी हुई है, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पर लगी हुई है। तो जहां से साइड चेन हमारी नियरेस्ट हो, जहां पर साइड चेन पहले पड़ती हो, नंबरिंग आपको वहीं से करनी है। तो पहले हमने बैलेंस किया यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH, CH3 एंड CH3। तो नंबरिंग यहाँ से 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। अब 2 पर हमारा एक मिथाइल लगा हुआ है, तो लिखेंगे आप 2 मिथाइल, और कार्बन टोटल 5 है, तो 5 के लिए लगाएंगे हम पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो सिंगल बॉन्ड के एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। और देखिए आप जैसे मान लो कोई ऐसा दिया हो कि जिसमें आप सोचेंगे किस तरह से काउंटिंग करेंगे, ज्यादा ज्यादा कार्बन मिल जाए आपके, तो लंबी से लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। हम पहले पॉइंट में आपको बताया हुआ था, ये आपने जैसे ले लिया, इसकी नंबरिंग आप कैसे करेंगे जहां से ज्यादा ज्यादा कार्बन मिले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन मिले हैं, 7 से ज्यादा आपको नहीं मिल रहे, तो 7 मिलेंगे। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि साइड चेन इधर से काउंटिंग करने में नियरेस्ट होगी या इधर से, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 पर साइड चेन है ये, और यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 पर साइड चेन है। तो नंबर शायद जहां से कर ले 4 कार्बन ही मिल रहे, मतलब टोटल आपके 7 कार्बन है और 4 पर ही साइड चेन मिलेगी, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन टोटल आपने बैलेंस कर दिया। तो CH3 यहाँ पर, H2 यहाँ पर, H यहाँ पर, H2 H2 H3 H3 H2 और यहाँ पर H2। आप देखिए 4 पर हमारी ये साइड चेन लगी हुई, इसकी काउंटिंग नहीं हुई, जिसकी काउंटिंग नहीं करते वो साइड चेन कहलाती है, उन्हें सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो ये किस पर लगा हुआ, 4 पर, तो इसकी पोजीशन जरूर लिखी जाती है, 4 पर अटैच है, तो ये लिखेंगे हम 4, और 2 कार्बन की साइड चेन, 2 के लिए हम क्या बोलते हैं, इथाइल, तो 2 इथाइल हो गया, और कार्बन टोटल आपके पास 7 है, तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट एन, ये हो गया। और जैसे मान लो आपने ये लिया 5 कार्बन से, यहां आपने ऐसे ले लिया और यहां आपने ऐसे ले लिया, तो देखिए इसको हम काउंटिंग, पहले काउंटिंग के कितने मेथड, कहां कहां से काउंटिंग कर सकते हैं, तो 1 2
फाइव कार्बन से, फिर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन से, या वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन, मतलब काउंटिंग चाहे जैसे करें लेकिन हमें कार्बन फाइव मिल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से हमने काउंटिंग किया तो वन टू थ्री फोर फाइव हो गया। अब यहाँ पर एक साइड चेन ये लगी हुई है, एक साइड चेन आपकी ये लगी हुई है, और यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो वन टू थ्री फोर, ये फाइव हो गया आपका। तो इसमें हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा आपके जो है साइड चेन प्राप्त हो जाए, जहाँ से ज्यादा ज्यादा साइड चेन मिले हैं वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव, अब यहाँ पर आपका ये हमारी ऐसे हमने नंबरिंग कर ली। अब इसमें देखिए साइड चेन हमारे पास एक ये है, एक साइड चेन आपके पास ये है। तो कभी भी ऐसा कंपाउंड दिया हो जिसमें नंबरिंग हम कई तरीके से करें लेकिन कार्बन हमारे बराबर आए हैं, लेकिन साइड चेन में डिफरेंस हो, तो हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से साइड चेन हमारे पास ज्यादा संख्या में हो। तो यदि आपने ऐसे कर लिया तो एक साइड चेन ये मिल गई, एक साइड चेन आपकी ये मिल गई। तो अब इसे क्या लिखेंगे, थ्री पर हमारा क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, और टू पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये लिखेंगे हम थ्री एथाइल, और टू पर मिथाइल है तो ये हो गया हमारा टू मिथाइल, और कार्बन टोटल फाइव है तो ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। इसके बाद अगला देखते हैं, ये लिया आपने यहां पर, यहां जैसे हमने ले लिया सी सी, और यहां पर ले लिया हमने, यहां पर ले लिया। अब देखिए बैलेंस करते हैं तो सी एस थ्री, यहां कोई एच नहीं होगा क्योंकि बॉन्डों के द्वारा ही बैलेंस्ड है, यहां पर सी एस थ्री, यहां पर एच टू, यहां पर एच टू, यहां पर एच होगा, यहां पर एच थ्री होंगे, और यहां पर हमारा एच टू होगा, एच थ्री होगा। अब देखिए यदि हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कार्बन मिलेंगे हैं, और साइड से हमारे टू पर मिलेगी। यदि यहाँ से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू पर साइड चेन यहाँ है, टू पर साइड चेन यहाँ है, जब दोनों से साइड चेन सेम डिस्टेंस पर हो, सेम डिस्टेंस पर। तो हम ये प्रयास करते हैं कि यहाँ लोवेस्ट सम रूल लगाते हैं, कौन सा रूल लगाएंगे, लोवेस्ट, लोवेस्ट सम रूल ये लगाना होगा। लोवेस्ट सम रूल में क्या होगा, आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो वन, ये टू, ये थ्री, फिर ये फोर, ये फाइव, और ये सिक्स। अब ऐसे जब आपने काउंटिंग किया तो यहाँ टू पर हमारी जो है दो बार साइड चेन है, तो लिखेंगे आप क्या, ये लिखेंगे टू प्लस टू, और यहाँ फाइव पर साइड चेन है तो फाइव, पूरा ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नाइन। और यदि आपने इस तरह से काउंटिंग किया तो ये वन, ये टू, फिर ये थ्री, फोर, ये फाइव, और ये सिक्स, सिक्स कार्बन है। तो यहाँ टू पर पहले साइड चेन मिल रही है आपकी तो टू लिखा आपने, फिर यहाँ फाइव पर टू टाइम्स है तो फाइव कॉमा मतलब फाइव प्लस फाइव, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व। तो यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल लगाना कि जिसकी जिसको ऐड करने पर जो हमारे सब्स्टिट्यूट जहाँ जहाँ जिस पोजिशन पर अटैच हैं यदि हम उनका सम कर दें तो जिसकी वैल्यू कम होगी वही से आपको नंबरिंग करनी होगी, वही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका जो है नाइन आया, यहाँ पर ट्वेल्व आ रहा, तो सही हमारा कौन सा होगा, ये वाला। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे जिसका सम कम हो, तो कम किस में मिल रहा था, पहले वाले में, तो इसकी क्या हो जाएगी नेम टू कॉमा टू डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल हो गया टू कॉमा टू है, और थ्री फाइव पर भी लगा हुआ है तो यहीं पर आप लिख दें टू कॉमा टू कॉमा फाइव, और थ्री टाइम से ट्राई मिथाइल होगा, ट्राई मिथाइल, और कार्बन टोटल आपके पास कितने हैं, सिक्स हैं, तो सिक्स के लिए हमारा हो जाएगा हेक्सेन, ये इसका आईपीसी नेम, यानी टू कॉमा टू कॉमा फाइव ट्राई मिथाइल हेक्सेन, इस तरीके से करें। तो यहाँ पर लोवेस्ट सम रूल आप जरूर लगाएंगे। जब आपको इस तरीके का कंफ्यूजन हो कि ना काउंटिंग किस तरीके से कहां से करें, आप ये तभी लगाना जब सेम डिस्टेंस पर दोनों से साइड चेन आपकी होती है। इस टाइप का यदि कोई एग्जांपल कोई केस दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से करना। इसके बाद चलिए हम आगे बात करते हैं, और आपका हमने अब दिया साइड चेन आपकी, जैसे यहां पर हमने सी एस थ्री लगा दिया और यहां पर हमने सी एस थ्री लगा दिया,
इस केस में तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ओर से सेम डिस्टेंस पर साइड चेन है और सेम साइड चेन है आपकी, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो नंबरिंग आप चाहे यहाँ से कर दें चाहे आप यहाँ से करें। तो ये वन, ये टू, थ्री, फोर और ये फाइव। अब यहाँ पर क्या हम कहाँ कहाँ साइड चेन है, सेकेंड पर और फोर्थ पर। तो टू कॉमा फोर डाई मिथाइल और कार्बन टोटल आपके पास फाइव है, तो ये होगा पेंटेन। लेकिन यदि आपका साइड चेन इस तरीके से है, साइड चेन आपने ऐसे लिया, यहां पर मान लो हमने CH3 ले लिया मिथाइल और यहां पर हमने जो है Cl ले लिया। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों ओर से सेम डिस्टेंस पर साइड चेन है। जब दोनों ओर से सेम डिस्टेंस पर साइड चेन हो तो नंबरिंग के लिए पीरियडिस साइड चेन को अल्फाबेट को देते हैं। साइड चेन का जो अल्फाबेट होगा, यहाँ मिथाइल का पहला लेटर M होगा और ये क्लोरो है इसका पहला लेटर C होगा। तो अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा, C आएगा। तो इसको हम जो है देखेंगे। तो नंबरिंग में वन टू थ्री फोर और ये फाइव। तो ये आपका क्या है, टू पर हमारा जो है Cl लगा हुआ है, तो लिखेंगे आप टू क्लोरो। और फोर पर आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो ये फोर मिथाइल होगा। और फाइव कार्बन से, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ये आपका है। और जैसे ये लिया आपने यहां पर, यहाँ पर तो लंबी से लंबी चेन आप काउंट कर लें कहाँ से मिलेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन से ज्यादा कार्बन आपको नहीं मिलने। तो काउंटिंग आप चाहे यहाँ से कर लें चाहे इस तरफ से कर लें। तो इस तरह से साइड चेन भी हमारी सेम डिस्टेंस पर है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। अब यहाँ पर आपने देखा बैलेंस हम करेंगे, तो यहाँ CH3, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर सिंगल H होगा, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H3, ये हमारा CH3 होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं 4 पर हमारा मिथाइल लगा हुआ है, तो लिखेंगे आप 4 मिथाइल हो गया। और कार्बन टोटल आपके पास 7 है, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। ये हो गया हमारा हेप्टेन, 4 मिथाइल हेप्टेन। और जैसे अब आपने कोई लाइन नोटेशन ले लिया इस तरीके बना हुआ है, इसके मैं आईपीसी निकाल ली, तो अभी कोई भी लाइन जहां से स्टार्ट हो वहां कार्बन, जहां पर एंड पॉइंट हो खत्म हो वहां पर कार्बन, या जहां पर किसी एंगल के साथ टर्न हो वहां कार्बन होगा। तो कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स हो गया, सिक्स कार्बन टोटल है। सिक्स के लिए हैश लगाएंगे आप, ये हो जाएगा हेक्सेन। कोई साइड चेन तो इसमें है नहीं, तो सिंपल हो जाएगा आपका हेड चेन। और चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आपने दिया है, जैसे हमने ये ले लिया कि इस तरीके लाइन नोटेशन में है, इस तरीके से आपने ले लिया, यहां पर हमने ऐसे, फिर यहां आपका ये हो गया। तो आप पहले तो ये डिसाइड करेंगे लंबी चेन कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया। मतलब चाहे काउंटिंग कैसे करें, सिक्स कार्बन ही मिले हैं, सिक्स से ज़्यादा नहीं मिले। तो आप क्या देखेंगे, साइड चेन भी देखेंगे। तो वन टू टू पर साइड चेन है, यहाँ से वन टू थ्री थ्री पर साइड चेन है, तो यहाँ से हमारे पास पड़ेगी साइड चेन। तो ये आपका वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स आ गया। अब यहाँ पर हमारा फोर पर टू कार्बन की साइड चेन है, वन कार्बन यहाँ पर होगा, वन यहाँ पर होगा, तो लिखेंगे आप फोर एथाइल। और टू पर हमारा मिथाइल लगेगा, तो ये टू मिथाइल हो गया। और कार्बन टोटल आपके पास कितने हैं, सिक्स हैं, तो सिक्स के लिए ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन। ये आगे
और इसी में कोई यदि साइक्लिक कंपाउंड की बेन है या कोई डायग्राम बना हुआ है, जैसे मान लो हमने ये रैबिट बना दिया, या हमने कुछ भी बना दिया ने? कोई भी मान लो हमने ये अपन ये हमने चूहा बना दिया इस तरीके से, तो नंबरिंग कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कार्बन, 16 के लिए क्या लगाते हैं हम? हेक्सा डेकेन, तो ये हो जाएगा हेक्सा डेकेन। ये कुछ भी बना दें, किसी प्रकार का कोई डायग्राम हो, ये मान लो आपने लिया, तो ये 1, 2, 3 और ये 4 है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ब्यूटेन। और जैसे ये हमने यहाँ पर एसिल बना दिया, तो लंबी चेन आप देखें तो 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5। अब 3 पर देख रहे हैं कि दोनों साइड साइड चेन लगी हुई है, तो 3, 3 डाई मिथाइल, 1 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलेंगे? मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया, और कार्बन टोटल 5 है, तो 5 के लिए पेंटेन, ये हो गया। और जैसे इसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड वगैरह दिया हो, ये तो डायग्राम के लिए हो गया, किसी प्रकार का कुछ भी बना हो तो आप तुरंत कर लेंगे। अब इसके बाद जैसे कोई साइक्लिक कंपाउंड वगैरह हो, तो साइक्लिक कंपाउंड सिंपल यदि है आपका इस तरीके से आपने बना दिया, तो इनमें आपको साइक्लो पहले लिखना होगा, तो साइक्लो लिखेंगे आप, और कार्बन 1, 2, 3 3 के लिए प्रोप लगाएंगे तो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन हो गया। और कार्बन से दिया आपने ऐसे ले लिए, तो ये होगा हमारा साइक्लो ब्यूटेन, ये हो गया। यदि 5 कार्बन से आपने लिए, तो इसके लिए होगा हमारा साइक्लो, 5 कार्बन से तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन लग जाएगा। तो कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दिया है तो उसकी नेमिंग आप इस तरीके से करेंगे। इसके बाद नोट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।